हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एबीसी और पीक्यूआर। अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दो ट्रायंगल्स का बिल्कुल एक जैसा होना। बिल्कुल एक जैसा होने का मतलब उनकी साइड्स मेजर्स भी सेम हो और उनके एंगल्स भी बराबर हो। यानी कि जैसे मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर हैं, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी बनती हैं? जैसे एबी के सामने पीक्यू, कि अगर एबी और पीक्यू सेम मेजर के हों, इधर से बीसी और क्यूआर ले लें, बीसी और क्यूआर इक्वल हों, और इधर से एसी और पीआर, यानी कि तीनों जिसकी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेजर्स भी बराबर हों। यानी कि इधर से एंगल ए किसके सामने आ रहा है? पी के, और बी मान लो क्यू के, और तीसरा सी मान लीजिए आर के। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों, तब हम ये कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल होने का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा है। और अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखी जाए, यानी कि एबीसी के ऊपर, जैसे ये एबीसी है और ये पीक्यूआर उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखी जाए, तो वो बिल्कुल इसको कोइंसाइड करेगी। यानी कि यही पी क्यू और आर भी होगा। यानी कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल बिल्कुल सेम साइज़ की उसके ऊपर पूरी आएगी। एंगल ए और पी भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, बी और क्यू भी सेम एंगल बनेंगे, और सी और आर भी बिल्कुल सेम एंगल बनेंगे। यानी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब उनका साइज और शेप बिल्कुल एक जैसी हो, यानी कि उनके एंगल्स भी बिल्कुल एक जैसे हो और उनकी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी आपस में बराबर हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि दो ट्रायंगल्स की सभी साइड्स और सभी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यानी कि ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल को रखा जा सकता है। लेकिन अब एक काम करते हैं, चार इसके रूल्स हैं, वो आज रूल्स पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन पढ़ेंगे SSS कंडीशन, यानी कि हमेशा हमें तीनों साइड और तीनों एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज हैं कि कम से कम अगर इतनी चीज़ें कवर कर जाए तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला रूल है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी कि ये देखिए ध्यान से, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। दो ट्रायंगल्स ली हमने, ट्रायंगल एबीसी और दूसरी ट्रायंगल पीक्यूआर। ये देखिए, अब ये रूल कब लगता है, किस तरीके से लगता है, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दो ट्रायंगल्स को हमने चेक करना है। अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, मान लीजिए ए बी पी क्यू के इक्वल हो, लेट्स सपोज ये बी सी क्यू आर के इक्वल हो और तीसरी ए सी पी आर के इक्वल हो, यानी कि तीनों साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो, तो एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। यानी कि जब हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और रूल कौन सा लगा रहे हैं? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, राइट। तो पहली कंडीशन याद रखनी है, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी इक्वल हो जाती हैं, तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है, तब उसके एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं रूल टू पर। नेक्स्ट है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ए बी सी मान लेते हैं,
दूसरी सेम पी क्यू आर सपोज कर लेते हैं, और एस ए एस रूल कब लगेगा, जब दो कोरिस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हों और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो। यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी पी क्यू के मैंने सपोज किया है, और बीच वाला एंगल देखो ये एंगल ए किसके इक्वल सपोज किया है पी के, और फिर इधर ए सी किसके इक्वल सपोज की है पी आर के। ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, अब देखिए ना ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इनके बीच वाला एंगल, इनके बीच वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तो बन गई ना, देखिए साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड, एंगल दोनों साइड्स के बीच में। यहाँ रूल से भी क्लियर हो जाता है कि एंगल दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा क्राइटेरिया मेरे पास कवर हो रहा है तो इसका मतलब ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स अभी भी कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि हमने जो आज पढ़ा था कि तीनों साइड तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंस के, तो हमें सारा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं और उनके बीच वाले एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि एस ए एस चीज़ें कंडीशन कवर कर रही है, तो यानी कि बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और रूल कौन सा लगा यहाँ पर, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इस कंडीशन के साथ हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब देखिए यहाँ से ही क्लियर है दो एंगल्स के बीच में साइड का आना, राइट, दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। यानी कि ये देखो मान लो मैं ए और पी इक्वल हो हमें गिवन, बी और क्यू गिवन हो, और ये ए बी किसके इक्वल हो पी क्यू के, तो ये ए एस से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बनती है। कैसे, ये दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। जैसे यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि एंगल ए अगर मेरे को पी के इक्वल गिवन हो और ए बी किसके इक्वल गिवन हो पी क्यू के, और इधर बी किसके इक्वल हो क्यू के, तो मेरा ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बनती है। या फिर ए की बजाय इधर सी अगर आर ओ के इक्वल होता और बी सी क्यू आर के इक्वल होता तो ये भी एंगल साइड एंगल बन जाता। तो यहाँ पर मैंने क्या सपोज किया है, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, और ए बी किसके इक्वल पी क्यू के इक्वल, तो यानी कि यहाँ पर भी ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। और याद क्या रखना है, हमने सिर्फ ये तीन चीज़ें चेक करके कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, यानी कि अगर ये तीन चीज़ें हो जाएं, ये तीन कंडीशंस मीट कर जाएं, तो सारी साइड्स अपने आप इक्वल हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। लास्ट फोर्थ रूल इसका है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। आरएचएस मतलब, पहले तो ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल की बात हो रही है। ये मान लेते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री है। सेकंड सपोज कर लेते हैं पीक्यूआर जिसमें क्यू 90 डिग्री है। ये आरएचएस का मतलब समझिए, आर का मतलब है राइट एंगल, राइट, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब एनी अदर साइड। यानी कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हैं, यहाँ पर देखिए मेरे पास एंगल बी तो क्यू के इक्वल है ही, बी क्यू के इक्वल होने का मतलब ईच 90 डिग्री, दोनों 90-90 के हैं। और अगर मेरे पास ये ए सी पी आर के इक्वल हो, अगर ये ए सी पी आर के इक्वल हो, ये दोनों देखिए हाइपोटेन्यूज बनते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और इसके अलावा चाहे ए बी पी क्यू के इक्वल आ जाए, चाहे बी सी आर क्यू के इक्वल आ जाए, मैं यहाँ पर ए बी को पी क्यू लिख रहा हूँ, दोनों इक्वल क्योंकि सपोज ही कर रहे हैं हम। अगर चाहे बी सी आर क्यू के इक्वल भी होता तो भी ट्रायंगल्स को हम क्या लिख सकते थे, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते थे, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते थे बाय विच कंडीशन, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। यानी कि एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और तीसरा कोई भी साइड रिमेनिंग साइड यानी कि ये वाली चाहे ये वाली अगर वो भी इक्वल है
तो यानी कि ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये चार रूल हमने पढ़े और इन रूल्स के बाद एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी का। ये देखिए नेक्स्ट वर्ड है सीपीसीटी। अक्सर ये वर्ड आप सुनेंगे, कहीं ना कहीं बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल्स एबीसी, सेम ट्रायंगल्स ही लेते हैं एबीसी और दूसरी ट्रायंगल पीक्यूआर, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। एबीसी को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया पीक्यूआर के, और आपने रूल यूज़ किया बाय एएसए। एएसए में अभी जो हमने किया था उसी को यूज़ कर रहा हूँ। एएसए मतलब आपने ये चीज़ यूज़ की है कि ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और ए बी पी क्यू के इक्वल, यानी कि ये सब तीन चीज़ें तो आपके पास थी और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के साथ। अब मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको अभी भी बार बार कह रहा था कि जब तीन चीज़ें हो गई तो मतलब बाकी सब अपने आप ही होगा, बाकी सब अपने आप ही होगा। तो उसका मतलब क्या है, जब उसको क्वेश्चंस में एक्सप्रेस करना हो तो आपको लिखना पड़ता है बाय सीपीसीटी। यानी कि जब मेरे को दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो मैंने इधर वाली साइड के हिसाब से कर दिया, और अगर मेरे को अब बताना हो कि देयरफॉर एसी इज इक्वल टू पीआर, कि बाकी अब देखो एसी भी पीआर के इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गई, और बीसी भी किसके इक्वल होगा, क्यूआर के इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यहां तक कि ये तीसरा बचा हुआ ये वाला एंगल सी भी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अगर ये लिखना पड़ जाए तो इसके साथ रीजन क्या लिखते हैं, बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही बोल दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हर क्वेश्चन के एंड में कई बार ये क्वेश्चन यूज हो जाता है ये स्टेप, तो सीपीसीटी का मतलब corresponding parts of congruent triangles होता है। I hope आपको congruency of triangles के चारों rules और CPCT का concept clear हुआ होगा। हमारे videos को like और share जरूर करते रहें। Thank you so much.